हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल रिव्यू गॉड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे होस्टिंग के ऊपर। तो फ्रेंड, आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ हो चुके होंगे जो होस्टिंग के ऊपर क्या बात होने वाला है। तो फ्रेंड, बात ऐसी है कि कुछ सब्सक्राइबर भाई ने पूछा, भाई होस्टिंग होस्टिंग के बारे में ऑफर लेके आते हो तो आखिर होस्टिंग क्या है, तो वो हम लोगों का बता दीजिए। तो फ्रेंड, बात ऐसी है होस्टिंग क्या है, आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। होस्टिंग क्या है, होस्टिंग कौन सी यूज़र को ख़रीदना चाहिए और होस्टिंग को कैसे सेटअप करना चाहिए, कहाँ से ख़रीदना चाहिए, कौन सी होस्टिंग सस्ते मतलब चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगी उनके ऊपर, ठीक है। तो होस्टिंग फ्रेंड, एक्चुअली होस्टिंग क्या है इसके बारे में बात करते। तो पहले होस्टिंग क्या है ये है तो जान लेते। होस्टिंग है एक सर्वर। सर्वर बोलो तो मतलब हम लोग जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर जितने भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी वेबसाइट, हम लोग जो आईपीएल चल रहा है अभी आईपीएल के टाइम, जितने भी वेबसाइट है जहाँ पे स्कोर वगैरह देखा थे, तो उन सभी वेबसाइट तैयार करने के लिए होस्टिंग चाहिए होते, जो कि इंटरनेट की स्पेस है, जो कि इंटरनेट की दुनिया की एक स्पेस है जहाँ जिस होस्टिंग को ख़रीदना होगी। वो स्पेस कैसे है, जैसे गूगल हमारा मोबाइल के अंदर जो मेमोरी कार्ड रहते हैं या इंटरनल स्टोरेज रहते हैं, जहाँ पे तुम्हारा 50 GB या 60 GB स्टोरेज दिया जाता है, जिससे आप अपना मर्जी के हिसाब से कुछ रख सकते हो। तो होस्टिंग भी सेम ऐसी है, जो एक वेब होस्टिंग है जो इंटरनेट के द्वारा एक जगह है, स्पेस होते हैं, जिस स्पेस को तुम खरीदने के बाद वहाँ पे अपना वेबसाइट लाइव करा सकते हो। वेबसाइट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे फोटो, टेक्स्ट, कंटेंट, इवन वेबसाइट, जिस वेबसाइट को आप बनाना चाहते हो, जैसे वर्डप्रेस बोलो या CMS बोलो, पाइथन बोलो, जो भी वेबसाइट है, उन सभी को आप इस होस्टिंग के ऊपर बना सकते हो और इस जगह को आप यूज़ कर सकते हो, जो इंटरनेट की स्पेस है उस होस्टिंग सर्वर को आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ हो चुका होगा जो होस्टिंग क्या है। अब बात करते होस्टिंग को क्यों यूज़ करूँ। तो फिर होस्टिंग यूज़ करते उन लोग, इन लोगों का पास ऑलरेडी वेबसाइट है या कोई नया यूज़र है, जैसे कोई मेरा एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे वर्डप्रेस वेबसाइट में, या कोई एक चारे में एक CMS वेबसाइट बनाऊँ, कोई एक चारे वेबसाइट यूट्यूब की तरह एक वेबसाइट बनाऊँ, तो इनके लिए होस्टिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो होस्टिंग इनकी ज़रूरत इन लोगों के होती है। तो आप भी अगर कोई भी होस्टिंग मतलब कोई भी ब्लॉग बनाना चाहते हैं या आपकी कोई बिजनेस रिगार्डिंग कोई वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो उनके लिए होस्टिंग की ज़रूरत है। तो आपको अगर होस्टिंग खरीदना है तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखूँगी, और आपको अगर वेबसाइट बनवाना है तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल पर। और तो होस्टिंग के जो यूज़ है वो यूज़ आप लोगों को बता चुका हूँ, जो यूज़ किया है तो आपका वेबसाइट के लिए होस्टिंग की यूज़ कर सकते हो। आप बताते होस्टिंग हम खरीदे कहाँ से। तो फ्रेंड, होस्टिंग खरीदने के लिए मैं इंडियन यूज़र के लिए थ्री होस्टिंग प्रोवाइडर की रिकमेंड करूँगी। जो थ्री होस्टिंग प्रोवाइडर है उनके पहला नंबर पे आते प्रोहोस्ट, ठीक है। तो प्रोहोस्ट वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ के अंदर पर मंथ के हिसाब से 50 रुपीज़ के अंदर आपको होस्टिंग मिल जाएगी। और दूसरा नंबर पे आते हैं होस्ट कर ले, और तीसरा नंबर पे आते हैं होस्टिंग राजा, ठीक है। तो इन तीनों होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, पहला प्रोहोस्ट, होस्ट कर ले एंड होस्टिंग राजा, इन तीनों पे होस्टिंग प्लेटफॉर्म से आप होस्टिंग ले सकते हो। इन तीनों होस्टिंग प्लेटफॉर्म की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखूँगी, जहाँ से आप जाके खरीद सकते हो। और आपको अगर मेरा वेबसाइट पे जाके इन वेबसाइट के नाम सर्च करोगे, जैसे प्रोहोस्ट, होस्ट कर ले या होस्टिंग जा, तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन उस कोड को एक कूपन कोड मिलेगी जो मेरा वेबसाइट पे मिलेगी reviewgod.com। तो आप लोग वहाँ मेरा वेबसाइट पे विजिट करके उससे कूपन कोड ले सकते हो, जिससे क्या होगा आपको होस्टिंग खरीदने के जितने भी प्राइस है उससे भी लगभग 5-10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, और आपको अगर वेबसाइट बनवाना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और होस्टिंग के बारे में अगर कोई भी आपको इंक्वायरी है तो आप मेरे को डेफिनेटली बता सकते हो। और एक बात बता देता हूँ, तो और एक बात यही है, जो होस्टिंग हम रिकमेंड किया है तो ये होस्टिंग सही है या नहीं है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। फ्रेंड, मैंने इस होस्टिंग प्लेटफॉर्म से होस्टिंग यूज़ किया है, जैसे प्रोहोस्टी से यूज़ किया है, मेरा क्लाइंट के लिए कुछ वेबसाइट भी प्रोहोस्टी से बनाया, होस्टकॉल का यूज़ किया, होस्टिंग राजा जो है इनको भी यूज़ कर रहा हूँ, और इनके ऊपर और भी ज़्यादा टेस्ट चल रहे हैं, जिसको भी आप वीडियो और टेस्ट वीडियो भी आपको ले आके देखाऊंगी, ठीक है। और इन्होंने बहुत चीपेस्ट प्राइस में अच्छे खासे होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए मैंने हमको हम इस प्लेटफॉर्म को रिकमेंड किया, क्योंकि आप अगर शायद ब्लू होस्ट या साइट ग्राउंड की तरह
ड्रीम होस्ट और भी बहुत सारा फास्ट कमेंट की तरफ हो जाओगे ना, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसे लग जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम पे इतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड करना मुश्किल हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने इन तीनों प्लेटफॉर्म को आप लोगों के लिए बताया। और होस्टिंग के रिगार्डिंग और भी कोई भी सवाल है तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उनकी रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। और होस्टिंग खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक यूज़ करिए। होस्टिंग किया है, होस्टिंग कैसे यूज़ करें उसके बारे में और भी डिटेल जानने के लिए कमेंट करके बताएं। और इसी तरह का नया नया होस्टिंग के ऊपर, डोमेन के ऊपर और जानकारी पाने के लिए मेरे साथ चैनल पे जुड़े रहिए। और एक लास्ट जो मेरे को भूल गया था, यहाँ पे फ्लिपकार्ट में बहुत भारी डिस्काउंट चल रहे, तो आपको अगर फ्लिपकार्ट से कुछ भी खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके भी लिंक रहेगी, जाके आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। जैसे ड्रेस, टी शर्ट, कुछ भी खरीदना है तो जाके खरीद सकते हो। तो आई होप इस वीडियो को आपको पसंद आ चुका है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, और इस तरह का नया नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चले चलते हैं भाई, फिर मिलूंगा नया वीडियो में। बी ओ सेव लाइक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, लास्ट में एक बात मैं भूल गया था, वो बात यही है, आपको अगर कौन सी टॉपिक में वीडियो देखना पसंद करते हो वो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं उसी टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी, ठीक है।